सब्सक्राइब कीजिए रोम्बस रोहित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, आज के व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले ये सारी कार्स, जिसमें आपकी हैचबैक्स, सेडान, एमयूवीज इंक्लूडेड है। सो गाइस, आज हमारे साथ है फिर से हरजी पाजी। क्या हाल है रोहित भाई? बढ़िया भाई, आप बताइए। बस बढ़िया। सो पाजी, आज के व्लॉग में आप कौन कौन सी कार दिखा रहे हैं? आज के व्लॉग में मैं आपको सबसे जो लोअर रेंज है 50,000 से लेके 6,00,000 तक की रेंज में गाड़ियाँ दिखाऊंगा आपको। सो पाजी, जो 50,000 की आप कार दिखाएंगे तो वो हैचबैक होगी या? नहीं, वो सेडान होगी। ओके, 50,000 में सेडान। हाँ जी। तो पाजी, मतलब कुछ वो डाउन पेमेंट वाला सिस्टम है? ओनली 50,000? ओनली 50,000। 50,000 की गाड़ी ले जाओ, 50,000 रुपये दे के गाड़ी ले जाओ, मतलब कोई डाउन पेमेंट वगैरह नहीं? ओके। एंड पाजी, मतलब रेंज कितने तक जाएगी? रेंज 6,00,000 तक की जाएगी। 6,00,000 में? ओके। सो पाजी, आज स्टार्ट कैसे करें? कौन सी पसंद आ रही है डिस्प्ले में देखो, आपके सामने सारी लगी हुई है। i20 से करते हैं। i20 देख लेते हैं। सो पाजी, कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। i20 ये इलीट है, 2015 मॉडल, स्पोर्ट्स ऑप्शनल पेट्रोल में। ओके, ये देख सकते हो इसमें अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं एक्स्ट्रा बाहर से, जो ऑप्शनल मॉडल में ही आते हैं सिर्फ, मतलब ये कंपनी अलॉयज है, कंपनी अलॉयज लिमिटेड ही है ये। एंड पेट्रोल बताइए? पेट्रोल वर्जन है ये, 48,000 किलोमीटर चली हुई है, जेन्युइन विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ। सो पाजी, एक बार इंटीरियर दिखाते हैं। बिल्कुल। सो गाइस, ये इंटीरियर i20 का, i20 है ना भी पाजी? ओके। एंड कंपनी फिटेड इसमें स्टीरियो मिलेगा? कंपनी फिटेड स्टीरियो, स्टीयरिंग कंट्रोल, ब्लूटूथ, क्लाइमेटिक कंट्रोल सब मिलेगा आपको इसमें। एंड भाई, जो हम सीट कवर देख रहे हैं कंपनी से ही लगे हुए हैं? ये बाहर से लगे हुए हैं। ओके, बाहर से लगे हुए हैं, आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। ओके, वो भी मैचिंग के साथ आए हैं। 3-tone इंटीरियर आता है इसमें। ओके। एंड भाई, ये सारा कंपनी फिटेड है? ये सारा कंपनी फिटेड भाई। क्लाइमेट कंट्रोल? क्लाइमेटिक कंट्रोल ऑटोमेटिक, और ये एयर क्लीन भी है इसमें। ओके, प्योरीफाई करके क्लीन भेजता है। एंड मैनुअल ट्रांसमिशन? मैनुअल ट्रांसमिशन है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स है, ब्लूटूथ है, और ये बटन वाले मिरर्स हैं इसके, ऑटोमेटिक मिरर्स हैं। एंड ये चलिए 48,000 जेन्युइन चलिए विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ। ओके। एंड पाजी, अब इसकी डिमांड क्या होगी? इसकी डिमांड, इसकी 4,90,000 रुपये मांग रहे हैं। ओके, 4,90,000 रुपये। एंड पाजी, मतलब जब ये आई थी 2015 में, तो इसकी मतलब क्या डिमांड थी? 2015 में इसकी डिमांड थी स्पोर्ट्स मॉडल की, 6,70,000 रुपये की, ऑन रोड थी विदाउट एनी डिस्काउंट, और बुकिंग थी इस पे 4 महीने की। तो पाजी, जो मॉडल हम देख रहे हैं, टॉप मॉडल है कौन सा? टॉप से एक नीचे, टॉप इसका एस्ट्रा आता है, स्पोर्ट्स है, लोग प्रेफर यही करते हैं। एस्ट्रा अराउंड पहुंच जाता है आपका 7.5 का। ओके, फीचर सारे ऑलमोस्ट सेम है, मतलब टॉप से एक नीचे वाला। हाँ, बस इसमें एक एयर बैग आता है, सिंगल एयर बैग। ओके, और उसमें 2 एयर बैग आते हैं। इसमें पार्किंग सेंसर्स वगैरह सब आएंगे आपकी कंपनी से ना। ओके। सो पाजी, एक बार बूट स्पेस दिखाइए। जैसे कि बूट स्पेस इसका आता है सॉफ्ट टच सेंसर के साथ, यहाँ पे सॉफ्ट टच सेंसर होता है। एंड पाजी, मतलब कितने लीटर का होगा अराउंड? ये अराउंड 250 लीटर का होगा। ओके, 250 लीटर का। जैसे कि हम अलॉय की बात कर रहे थे, तो इसका 5th अलॉय ही है। ओके। एंड पाजी, ये स्टेपनी अन्यूज्ड स्टेपनी है, 5th अलॉय के साथ, बहुत कम गाड़ियों में 5th अलॉय मिलता है आपको, तो ये प्लस पॉइंट है। ओके। नेक्स्ट जो दो कार हम आपको दिखा रहे हैं, ये है वॉक्सवैगन जेटा, ये वाला 2011 मॉडल है ऑटोमेटिक में, एंड ये है 2012 मॉडल मैनुअल में। जो ऑटोमेटिक वाली है वो आपकी डीजल है। ओके। और जो मैनुअल वाली है वो पेट्रोल वर्जन में। ओके। देखो आप, स्टार्टिंग करते हैं इसके नंबर से सबसे पहले, तो इसका नंबर बहुत अच्छा है। ओके, 1999। 1999। एंड चाची, कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। जेटा ये वाली जो व्हाइट वाली से शुरू कर रहे हैं पेट्रोल वर्जन, ये मैनुअल में है, कम्फर्ट लाइन। ओके, तो इसमें आएगा सब कुछ, आपके एयरबैग्स, इंटीरियर, लेदर एट सीट सब आएंगे। तो बाजी, कितने एयरबैग्स आते हैं इसमें? इसमें 2 एयरबैग्स आते हैं। ओके, 2 एयरबैग्स आते हैं इसमें। हाँ जी। एंड बाजी, फोल्डेबल मीटर चलिए। ये अराउंड 63,000 जेन्युइन। ओके। कम्फर्ट लाइन और उसमें मैं आपको फ़र्क दिखा रहा था कि इसके अलॉयज और इसके अलॉयज में बहुत फ़र्क है। ओके, मतलब डिज़ाइन से ही आते हैं, कंपनी डिज़ाइन में फ़र्क है। ये वाली कम्फर्ट लाइन है? ये कम्फर्ट, ये वाली बाजी, ये हाईलाइन, ये हाईलाइन। ओके, डीजल में एंड पेट्रोल में। सो बाजी, को इंटीरियर दिखा। और इंटीरियर। सो गाइस, ये है वॉक्सवैगन जेटा का इंटीरियर,
एंड भाजी पेट्रोल वाली है ना? ये पेट्रोल वाली है। ओके ये 6 स्पीड के साथ आती है, 6 गियर देख रहे हो आप इसमें। एंड भाजी ये जो हम सीट कवर देख रहे हैं कंपनी फिटेड है? ये कंपनी फिटेड सीट कवर है इसके। ओके लेदर सीट कवर कंपनी फिटेड। एंड भाजी आपने मॉडल कौन सा बताइए? ये 12 का मॉडल है। ओके 2012 मॉडल है ये। इसका स्टीरियो वगैरह सब कंपनी फिटेड है। ओके एसी वगैरह इसका सारा कंपनी फिटेड है। एंड भाजी ऑटोमेटिक या मैनुअल है? ये मैनुअल है, ये इसमें मैनुअल आता है। ओके इसमें मैनुअल, जेटा में आता ही मैनुअल है, उसमें भी मैनुअल है। ओके ऑटोमेटिक में ही मैनुअल है। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, वुडन इंटीरियर मिलेगा, वुडन टच इंटीरियर मिलेगा आपको इसमें। ओके स्पेस है और ये स्टीयरिंग कंट्रोल है इसमें सारे, यही से आप सब कुछ अपने ऑपरेट कर सकते हो। ओके मतलब ब्लूटूथ वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह सारा इधर से कॉल इसी से उठा सकते हैं। ये चलिए 68,000। जहाँ तक इसकी इंजन की बात करें तो ये 1.5 cc का इंजन है इसमें, बट बहुत पावरफुल, वॉक्सवैगन का बहुत पावरफुल इंजन है। भाजी एक बार बूट स्पेस दिखाइए जेटा का। ये 510 लीटर का बूट स्पेस है इसका। ओके 510 लीटर का बूट स्पेस है इसमें। इसमें स्टेपनी है, एयरी एंड स्टेपनी अनयूज्ड है। एंड भाजी ओके, एंड ये जो टायर देख रहे हैं सब में गुडियर के हैं? हाँ सारे गुडियर के टायर है। ओके ब्रांड न्यू टायर है। एक फीचर जो हमने आपको दिखाना है जेटा का, जो वॉक्सवैगन का बहुत प्यारा फीचर लगता है आपको, ये सिर्फ हीट रिड्यूस करने के लिए होता है। जैसे आपकी कार कहीं खड़ी है और बहुत सनलाइट में खड़ी है तो ये आप फीचर से अपनी गाड़ी की हीट सारी बाहर निकाल सकते हो। ओके मतलब ये की से ही हो, की से ही हो जाता है आपकी। लॉक लॉक होल्ड करेंगे तो 10 सेकंड्स तो ये ऊपर होगा। ये आपको हर उसमें मिलेगा, हर जेटा में, हाँ सारी वॉक्सवैगन में अब आना शुरू हुआ है। पहले सिर्फ लग्जरी सेगमेंट में आता था वॉक्सवैगन। एंड पाजी अब हमने इस जेटा की स्पेसिफिकेशन तो बता दी, एंड पाजी प्राइस क्या होगा? जैसे कि प्राइस है तो आप गेस करो, गाड़ी तो नई है, 18 लाख रुपए की आई थी जब। ओके नई 18 लाख की थी, पेट्रोल वर्जन, और डीजल वर्जन इसका था 22 लाख रुपए का। ओके हाँ तो इसके प्राइस क्या होने चाहिए? 2012 मॉडल है। 12 मॉडल है, अराउंड 7 लाख। नहीं बहुत आगे चले गए, इसके 5.5 आस्किंग है, बाकी प्राइस ब्रिट नेगोशिएबल है, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा। ओके हाँ जी और ऑटोमेटिक वर्जन है तो वैसे ही आपको ड्राइव करने में इतना मजा आएगा कि क्लच वगैरह तो कुछ होगा नहीं इसमें, और बहुत पावरफुल इंजन है इसका 1.8। ओके 1.8 का इंजन है इसका। भाजी डीजल में नहीं? ये डीजल है, DSG। इसके गियर शिफ्ट भी DSG है, डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स होते ना? हाँ डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स। तो आप सीट कवर से फोकस करो, जैसे कि आप सीट देख रहे हो इसकी, इसकी सीट और इसकी सीट में बहुत फर्क है। सो भाजी ये भी कंपनी फिटेड है? ये भी कंपनी फिटेड है। ओके इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको कंपनी फिटेड मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें टच स्क्रीन स्टीरियो आ जाएगा आपका। ओके इसमें टच स्क्रीन आ गया वॉक्सवैगन की तरफ से। भाजी ये भी मैनुअल है? ये भी मैनुअल आते जो जेटा में सारे ही मैनुअल आते हैं। ओके एंड इसमें 6 एयरबैग है? 6 एयरबैग है। ओके एंड इसमें भी आपको वुडन इंटीरियर मिलेगा एंड सारा स्टीयरिंग कंट्रोल, बाकी सब कुछ वो वाली जेटा का सेम है, बट टच स्क्रीन स्टीरियो, गियर शिफ्ट, एयरबैग चेंज आ गया। एंड ओके एंड भाजी इसमें कितने गियर है वैसे? इसमें अराउंड 6 गियर है। उसमें 6 गियर है हाँ। एंड ये वाली जेटा चली है आपकी 57,000 किलोमीटर? 57,000 किलोमीटर। एंड भाजी इसमें भी 510 लीटर? ये भी 510, बाकी तो सारा सेगमेंट सेम है गाड़ी का। ओके बस जो इसकी वो उसमें फ़र्क है, स्टेपनी अनयूज्ड है। स्टेपनी यूज्ड है इसकी, यूज्ड है। ओके इसकी यूज्ड है स्टेपनी। एंड भाजी इसमें किसके टायर आएंगे? इसमें इसमें भी जेके के टायर आएंगे। ओके जेके टायर के आएंगे। एंड भाजी जैसे हमने पुरानी वाली जेट्टा का बताया था 5.5 लाख, एंड इस वाली का कितने का? इसका 5.75। ओके ये डीजल है और ऑटोमेटिक है। ओके इसका 5,75,000 वो भी नेगोशिएट हो जाएगा आपको, अराउंड ये भी 5.5 के करीब मिल ही जाएगी। ओके 5.75 लाख की पड़ेगी आपको।
सो गाइज नेक्स्ट कार जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है स्कोडा की सुपर्ब जो 2012 मॉडल है पेट्रोल एलिगेंस में। तो भाजी बताइए कुछ एलिगेंस मॉडल। ये 3600 सीसी का इंजन आता है इसमें। ओके 3597 सीसी का इसमें इंजन आता है एंड V6 में है ना भाजी? V6 में है, 7 स्पीड गियर के साथ। 7 स्पीड गियर के साथ है एंड इसमें भाजी DSG है? हाँ इसमें भी DSG है। ओके जैसे कि आप इसके टायर्स देख रहे हो ब्रांड न्यू टायर्स हैं अभी 50,000 के टायर्स डले हैं इसमें। सो भाजी जो हम इसमें अलॉय देख रहे हैं ये कंपनी फिटेड है? हाँ ये कंपनी फिटेड आते हैं अलॉयज। इतनी बड़ी ये जब नहीं आई थी तो ये 28 लाख रुपए की गाड़ी थी और जो अब इनकी न्यू शेप आ रही है न्यू सेगमेंट में आ रही है वो 35 लाख रुपीज़ की हो गई है। ओके 2012 मॉडल आया था ये अराउंड 28 लाख का था। ओके एंड जो अभी इसका प्राइस है वो हम लास्ट में बताएंगे। लास्ट में एंड इसमें आपको सेल्फ ऑफ मिलेगा। एंड भाजी ये जो हम ये देख रहे हैं इसके सीट कवर ये कंपनी फिटेड है एंड ये ऑटोमेटिक में आ गए इसके सीट्स। इसकी दोनों ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ऐसी ही आती हैं। ओके और ये भी 6 एयरबैग्स के साथ आती है। ओके एंड ये भी कंपनी फिटेड मिलेगा। हाँ जी वुडन इंटीरियर मिलेगा इसमें आपको मिलेगा। एंड भाजी ऑटोमेटिक है या क्लाइमेट? ऑटोमेटिक है क्लाइमेटिक कंट्रोल। एंड इसमें DSG गियर्स मिलेंगे आपको 7 गियर्स है ना भाजी? 7 गियर्स। ओके DSG का फुल फॉर्म हो गया डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स। गियरबॉक्स ये आप देख सकते हो ब्लूटूथ वाला स्टीरियो बुलेरो कहते हैं इसको। ओके स्कोडा का इधर से ये एंड वुडन इंटीरियर होगा आपका। हाँ जी जैसे कि ये चली है किलोमीटर्स आपको पता है मीटर तो बैक कराते नहीं गाड़ियों का। ये 89,000 किलोमीटर्स चली हुई है जेन्युइन विद कंपनी सर्विस रिकॉर्ड के साथ। 2018 में 82 पे इसकी सर्विस हुई थी तो अब इतनी ही चली है 89, ज़्यादा चलती नहीं थी उनकी गाड़ी। मतलब विद सर्विस रिकॉर्ड, विद सर्विस रिकॉर्ड है। एंड स्टीयरिंग व्हील पे आपको सारे ये फीचर्स मिल जाएंगे। कॉल आंसर ब्लूटूथ है इसमें। ओके ब्लूटूथ है कॉल आंसर। एंड भाजी और कुछ फीचर्स बताइए इसके बारे में। जैसे कि हम बता रहे थे सनरूफ के बारे में टॉप मॉडल जो एलिगेंस में ही आता है। ओके इसमें सनरूफ भी मिलेगा आपको। एंड भाजी टॉप मॉडल है टॉप से नीचे? नहीं टॉप मॉडल है। ओके टॉप मॉडल है सनरूफ पूरा ओपन हो जाता है इसका। मिरर्स भी इसके ऑटो फोल्डेबल है। एंड गाइस अब हम आ चुके हैं स्कोडा सुपर्ब के बैक सीट में। बैक सीट में आप फीचर्स देखो इसमें बूट स्पेस देखो कितने लंबे हैं। मैं लेट भी जाऊँ तब भी आराम से कंफर्टेबल होके बैठूंगा। और इसमें पीछे भी विंड्स दिए हुए एसी के। ओके इधर आपको एसी विंड्स मिलेंगे। हाँ आपकी सेफ्टी के लिए सीट में एयरबैग्स दिए हुए हैं कर्टन एयरबैग्स कहते हैं इनको। एंड भाजी ये क्या है? ये क्लाइमेट कंट्रोल चेक कर सकते हो आपकी गाड़ी किस क्लाइमेट पर चल रही है क्या चल रही है। ओके सब आ जाता है इसमें। स्पीकर्स भी दिए हुए इसके साइड डोर्स में। फुली लग्जरी सेगमेंट है आपको जैसे ये आप ये देख रहे हो ये दिए हुए इनबिल्ट सनशेड इसके अंदर। ओके इनबिल्ट ही है बाहर से कोई लगवाया नहीं किसी ने। मतलब कंपनी से ही आता है सब कुछ इसमें। सो पाजी एक बार इसका बूट स्पेस दिखाते हो। बिना हाथ लगाए। एंड भाजी ये पूरा भी तो खुल जाता है वो कैसे खुलता है? वो पूरा ट्रंक ओपन हो जाता है। ओके एंड भाजी इसमें कितने का बूट स्पेस है? इसमें 560। ओके अराउंड 560 और स्टेपनी अनयूज्ड है इसमें। ओके एंड इसमें टायर है गुडियर के? हाँ गुडियर के। ओके इसमें अराउंड मिलेगा 560 लीटर का बूट स्पेस। भाजी सुपर में फ्यूल टैंक कितने लीटर का आता है? फ्यूल टैंक इसमें 60 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। ओके एंड भाजी इसमें एवरेज कितने मिल जाएगा? एवरेज ऑन रोड आपको देगी 10 के अराउंड। अच्छा सिटी में? सिटी में 10 के अराउंड देगी। हाईवे पे अराउंड 12 के 13 के अराउंड निकालता है। ओके एंड भाजी पेट्रोल बताइए डीजल? पेट्रोल है प्योर पेट्रोल 2012 मॉडल पेट्रोल। एंड भाजी अब इसकी कॉस्टिंग क्या होगी? जैसे आपने बताया 28 लाख से आई थी है न्यू 28 लाख से अब कॉस्टिंग इसकी कर रही है अराउंड 6 लाख रुपये। ओके ओनली 6 लाख रुपीज़। ओनली 6 लाख इतनी लग्जरी सेगमेंट आपको सिर्फ 6 लाख रुपये में मिल रही है। ओके एंड 2012 मॉडल 2012 का मॉडल।
सो गाइस नेक्स्ट कार जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है होंडा मोबिलियो MUV ओके 2014 VMT कंपनी अलॉयज के साथ ओके एंड भाजी पेट्रोल है डीजल डीजल ये डीजल है ओके डीजल में है एंड कितने किलोमीटर चलेगा जी ये 55,000 किलोमीटर चलिए और इसकी एवरेज भी बहुत अच्छी है ओके अराउंड कितने का जी अराउंड ये आपको देगी अराउंड सिटी में 16 के अराउंड एवरेज देगी ओके सिटी में 16 के एंड भाजी हाईवे पे 18 की निकाल देगी ओके हाईवे पे 18 भाजी एक बार इसका इंटीरियर दिखाते हैं जैसे कि आप देख रहे हो ये भी कंपनी फिटेड है कंपनी फिटेड स्टीरियो है VMT है एयरबैग्स दो एयरबैग्स है इसमें ओके एक यहाँ भी आएगा एक वहाँ भी आएगा स्टीयरिंग कंट्रोल एंड भाई ये तो मैनुअल है ये मैनुअल है आता ही मैनुअल है ट्रांसमिशन हो गया 5 स्पीड गियर है इसमें ओके एंड भाजी जैसे आप बता रहे थे सिटी में इसकी एवरेज है अराउंड सिटी में अराउंड 16 की एवरेज देगी 7 सीटर गाड़ी आपको ओके एंड अराउंड हाईवे पे 18-20 के अराउंड निकालती है ओके हाँ जी और चली भी कुल 55,000 किलोमीटर है 55,000 हाँ जी एंड भाजी मतलब ये आपने पेट्रोल पे था डीजल ये डीजल है ओके डीजल में डीजल आपको 20 अराउंड मिल ही जाएगा हाईवे पे एयरबैग एक इधर एयरबैग मिलेंगे एंड भाजी हमें जो सीट कवर देख रही है कंपनी फिटेड है ये भी कंपनी फिटेड है ओके लेदर एड सीट कवर्स है एंड इधर आपको ऊपर एसी वेंट मिलेगी यहीं से आप ऑफ और ऑन कर सकते हो इनको ओके एंड भाजी 7 सीटर में है ना ये 7 सीटर में देख सकते हो पीछे भी सीट साइज में और लेग स्पेस भी काफी अच्छा है इसका और अकॉर्डिंग टू 7 सीटर कार और 2014 मॉडल आपको इतने कम प्राइस में मिल रही है प्राइस अभी आपको बताते हैं ओके एंड भाजी को इसका बूट स्पेस दिखाते हैं अराउंड भाजी कितना होगा ये अराउंड 200 लीटर का अराउंड होगा ओके 200 लीटर एंड भाजी अगर इसको फोल्ड कर दिया जाए तो एंड भाजी अब अराउंड कितने का हो जाएगा अभी अराउंड 550 लीटर का बन गया आपका ओके जैसे प्राइस की बात कर रहे थे अब गेस करो आपको ये 7 सीटर 2014 मॉडल कितने की मिल रही होगी एंड भाजी जब 2014 में आई थी तब कितना प्राइस था इसका तब तो आई थी ये अराउंड 11 लाख रुपए की थी ओके 11 लाख रुपए की हां जी अराउंड 2014 मॉडल है 14 मॉडल अराउंड होगी 6 लाख नहीं आपको 4,10,000 रुपये की मिल रही है ओके ओनली 4,10,000 की एंड 7 सीटर कार है ये ओनली 4,10,000 की तो गाइस जो हम आपको नेक्स्ट कार दिखा रही है होंडा ब्रियो हैचबैक में आ गई ना भाजी ये हैचबैक में आ गई ओके एंड भाजी कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए 2012 का मॉडल है ये SMT ओके एंड भाजी पेट्रोल है डीजल प्योर ये प्योर पेट्रोल आती पेट्रोल में डीजल में आई नहीं है गाड़ी ओके पेट्रोल में आई है एंड 2012 का मॉडल है 2012 का मॉडल है आप देख सकते हो घर की फैमिली में किसी को भी देने के लिए छोटी कार बहुत बढ़िया है जैसे लेडीज़ वगैरह ड्राइव करती है तो उनको बड़ी कार चलाने में बहुत दिक्कत होती है तो इसके साथ उस मुकाबले इसकी पावर इसकी मेंटेनेंस सब कुछ बहुत बढ़िया है क्योंकि होंडा का होंडा का ट्रस्टेड प्रोडक्ट है ब्रांड है इसकी मेंटेनेंस भी बहुत लो है अराउंड 2500-3000 में टोटल सर्विस हो जाती है गाड़ी ओके एंड भाजी जैसे हैचबैक के हिसाब से इसकी एवरेज कितनी होगी ये अराउंड आपको देगी 18 की एवरेज देगी पेट्रोल में सिटी में सिटी में एंड पाजी हाईवे 22 की ओके हाईवे पे 22 की सो पाजी एक बार इंटीरियर दिखाते हैं इसको कंपनी फिटेड है हाँ ये कंपनी फिटेड है ओके देखो इसमें लिखा भी हुआ ब्रियो एंड ये भी आपको कंपनी फिटेड मिलेगा इसमें एंड ये मैनुअल में हो गया ये मैनुअल में हो गया एंड ये भी मैनुअल में होगा और इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल भी आता है आपका एंड जैसे भाजी हमने लास्ट मोबिलिया दिखाई थी तो उसमें था स्टीयरिंग कंट्रोल उसमें भी था स्टीयरिंग कंट्रोल ओके वो VMT है SMT है और आप देख सकते हो 60,000 जेन्युइन चली हुई है कंपनी रिकॉर्ड के साथ है बस काफ़ी स्पेस भी अच्छा है इसका एंड बेज इंटीरियर बेज इंटीरियर के साथ है एंड ये इसका बैक सीट का स्पेस है पावर विंडो ये इसकी पावर विंडो ओके एंड इसमें चारों उसमें आपको पावर विंडो मिल जाएगा बूट इसका बड़ी क्यूटली खुलता है ये मिरर ही है मतलब इसमें अराउंड ज़्यादा नहीं मिलेगा हाँ छोटी गाड़ी है ना कॉम्पैक्ट सेगमेंट है दिल्ली के ट्रैफिक के हिसाब से ये स्टेप नहीं है अनयूज्ड है नहीं ये यूज्ड है ओके स्टेप नहीं यूज्ड है हाँ
एंड भाजी आपने जैसे 2012 मॉडल बताया तो इसकी अराउंड कॉस्टिंग क्या होगी? अरे 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं इसके। और जब नई थी तो ये 6 लाख रुपए की आई थी। ओनली 2.5 लाख की पड़ेगी आपको। हाँ जी, टायर भी ब्रांड न्यू है इसके, वो देख सकते हो आप आगे वाले। बिल्कुल भाजी, नेक्स्ट कार कौन सी आप दिखा रहे हैं? नेक्स्ट कार ये दिखा रहा हूँ आपको, i20 स्पोर्ट्स नेक्स्ट जनरेशन। ओके, 2012 का मॉडल है, स्पोर्ट्स मॉडल है, अलॉय व्हील्स के साथ। एंड भाजी कितने किलोमीटर चली ये? 76,000 जनमन चली है। एंड भाजी पेट्रोल है डीजल? ये डीजल में है। ओके, डीजल में। हाँ जी। एंड भाजी जो आपने पहले i20 दिखाई थी वो कौन सी थी? वो एलीट थी, वो 48,000 चली है, वो पेट्रोल में है, ये डीजल में है। एंड भाजी कुछ और बताइए इसके बारे में। जैसे आप ये देख रहे हैं 1.6 सीसी इंजन है। ओके, ये जो वर्ना फ्लूइडिक में इंजन आता है सेम इंजन है इसमें, 6 स्पीड के साथ है। ओके, 6 गियर्स में आएगा। हाँ, 6 गियर्स में आएगा। तो भाजी एक बार इंटीरियर दिखाते हैं इसको। एंड भाजी जो हम इसमें सीट कवर देख रहे हैं ये तो कंपनी फिटेड नहीं है? कंपनी फिटेड नहीं है। ओके, ये आफ्टर मार्केट, आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। कंपनी फिटेड और मैटिंग भी आफ्टर मार्केट डली हुई है इसमें। ओके, और जो ये स्टीरियो देख रहे हैं ये कंपनी फिटेड है आपको। ओके, एंड ये जो स्टीरियो देख रहे हैं हम कंपनी फिटेड, ये ब्लूटूथ वाला स्टीरियो है आप देख सकते हैं। ओके, ब्लूटूथ वाला। एंड भाजी इसमें एयरबैग्स हैं? एयरबैग्स हैं, इसमें सिंगल एयरबैग आता है। ओके, इसमें सिंगल एयरबैग मिलेगा। हाँ जी। एंड ये ऑटोमेटिक है? ये ऑटोमेटिक है, क्लीन एयर वाले ऑटोमेटिक आते हैं इसमें। ओके, एंड इसमें आपको ट्रांसमिशन मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल 6 गियर के साथ, मैनुअल ट्रांसमिशन 6 गियर के साथ। और ये चलिए 76। ओके, 76,000 किलोमीटर चलिए। हाँ जी। एंड इधर आपको स्टीयरिंग भी मिल जाएंगे सारे कंट्रोल्स, कॉल एंड कॉल ऑफ, चैनल चेंज भी मिलेंगे सर आपको। हाँ जी। और पार्किंग सेंसर भी मिलेंगे, रिवर्स पार्किंग सेंसर। ओके, ये देखो, ये ऑफ एंड ऑन, इसको ऑफ एंड ऑन भी कर सकते हैं। ओके, एंड इधर आपको मिलेगा मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जिसमें आपको एवरेज बताएगा, चैनल बताएगा, टाइम बताएगा, टेम्परेचर बताएगा, सब कुछ इसमें बताएगा। एंड ये बैक सीट का बिल्कुल फेस है, और है भी डीजल में है, CRDI ABS वाला वर्जन है। Okay, आप देख सकते हो। एंड जो CRDI होते हैं डीजल होती है, VTVT होती है, पेट्रोल होती है। एंड जो भाजी हमने लास्ट गई थी वो तो पेट्रोल थी ना? वो VTVT थी, पेट्रोल थी। एंड ये इसका बूट स्पेस है, अराउंड कितने लीटर का होगा? ये अराउंड 300-350 का अराउंड होगा। ओके, स्टेपनी इसकी भी यूज्ड है। ओके, इसकी भी यूज्ड है स्टेपनी। एंड भाजी इसकी कॉस्टिंग क्या होगी अराउंड? इसकी कॉस्टिंग 3,40,000 रुपये मांग रहा है इसकी। ओके, 3,40,000। एंड मॉडल कौन सा है? 2012। एंड भाजी जो हमने लास्ट दिखाई थी i20 उसका प्राइसिंग थी 490। ओके, 490। तो गाइस, नेक्स्ट कार जो हम आपको दिखा रही है होंडा अकॉर्ड 2011 मॉडल, पेट्रोल, पेट्रोल 2.4 लीटर इंजन है। ओके, 2.4 लीटर इंजन है, VMT टॉप मॉडल। ओके, टॉप मॉडल है। कंपनी अलॉयज, फोल्ड ओवर मिरर, और क्या कहते हैं हमें, कंट्रोल्स वगैरह सब आएगा आपके लिए। ओके, हाँ। तो जी अराउंड कितने किलोमीटर चली होगी ये? अराउंड 55 चली हुई है। ओके, 55,000 किलोमीटर चली हुई है। बिल्कुल। एक बार इसका इंटीरियर, सिंगल ओनर कार है, बाकी जितनी दिखाई है आपको सारी सिंगल ओनर है। ओके, सारी सिंगल ओनर है, बिल्कुल। एंड भाजी जो सीट कवर हम देख रहे हैं इसमें, ये कंपनी फिटेड है सारे, क्योंकि जब ये एक भी नई गाड़ी आई थी तो लग्जरी सेगमेंट में ही आई थी, होंडा का लग्जरी सेगमेंट था। Okay. तो ये भी अराउंड 25+ की थी जब नई आई थी। ओके, 25 लाख+ की। हाँ जी। एंड ये जो हम ये देख रहे हैं ये सारा कंपनी फिटेड, कंपनी फिटेड स्टीरियो है। ओके, इसमें ऑक्स कनेक्टिविटी, CD, 6 कॉम्पैक्ट डिस्क चेंजर मिलेगा आपको। एंड ये इधर इसमें भी आपको मिलेगा मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, और ये 53 है। ओके, 53,000 किलोमीटर चलिए। बिल्कुल। एंड इसमें आपको मिलेगा वुडन इंटीरियर, वुडन इंटीरियर, और डोर्स भी मिलेगा, डोर्स भी मिलेगा, एयर बैग्स मिलेंगे ये रहे। ओके, यहाँ पे मिलेंगे, वास पिलर्स में मिलेंगे आपको कर्टन,
साइड का 10 ईयर बैच। टोटल इसमें पाजी 4 मिलेंगे? नहीं, टोटल 6 है इसमें। ओके, इसमें टोटल 6 है। एंड पाजी जैसे मतलब आपके पास ओनली दिल्ली का नंबर ही मिलती है अराउंड बाहर? नहीं, बाहर का नंबर भी मिल जाता है, प्रेफरेबल दिल्ली NCR नंबर सारे मिल जाते हैं, जैसे UP 16, UP 14, HR 51 और HR 26 सारे मिल जाते हैं। सारे मिल जाते हैं बिल्कुल। एंड इस होंडा कॉर्ड में भी आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक सीट्स। इसमें भी आपको एसी वेंट मिलेंगे? कर्टन्स ये एक्स्ट्रा लगवाया हुआ है इसमें। अच्छा, इसमें आफ्टर मार्केट? आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है। बात करें इसकी एवरेज की, तो एवरेज इसकी अराउंड थोड़ी बहुत कम है, ये 10 के अराउंड ही एवरेज देगी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। पेट्रोल में? पेट्रोल में हाँ। भाई हाईवे पे अराउंड? हाईवे पे 12 की देगी। ओके, बट इसको ड्राइव करने का बहुत मज़ा, बहुत स्मूथ ड्राइव है इसकी, कम्फर्टेबल एंड स्मूथ ड्राइव। भाई एक बार पूछ कर चला, ये भी मतलब किसी को? ये भी किसी को? ये आप देख सकते हैं इसका बूट स्पेस। एंड ये पाजी स्टेपनी? स्टेपनी यूज्ड है, एक दो बार ही लगी है। एंड इसमें अराउंड पाजी कितने उसका मिलेगा? इसमें भी अराउंड आपका सुपर जितना ही मिलेगा, 500-550 लीटर का। सेम सेगमेंट है, सेडान सेगमेंट है और लग्जरी में है, तो आप मिनिमम मान के चलो आपको इतना बूट स्पेस मिलेगा ही मिलेगा। एंड पाजी अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो जो न्यू आई थी तब कितने की थी? न्यू तो ये 28 लाख रुपये की थी जैसे मैंने आपको अंदर भी बताया, और अब आपको ये सिर्फ 4.5 लाख रुपये की मिल रही है, वो भी नेगोशिएबल प्राइस। ओनली 4.5 लाख की। एंड मॉडल आपने बताया 2011 का मॉडल, सिंगल ओनर है और 2020 तक फुल इंश्योर्ड है। मोस्टली सारी गाड़ियाँ इंश्योर्ड है, जैसे आप लाइन से देख रहे हो मोबिलियो लेके, सबकी 2-3 4 महीने की इंश्योरेंस वैलिड है, कईयों की साल की वैलिड है। ओके, कईयों की 1-1.5 महीने की वैलिड है, बट मैं तो प्रेफर यही करूँगा कि अगर आप इंश्योरेंस अपने उसकी कराओ नाम की, तो ज़्यादा बेनिफिट लगता है, पूरे साल की इंश्योरेंस हो जाती है और थेफ्ट और एक्सीडेंट से भी सेफ्टी मिल जाती है, पूरा सिक्योर हो जाते हो आप। भाजी नेक्स्ट कार कौन सी दिखा रहे हैं? नेक्स्ट कार जैसे कि आपने वीडियो में कहा था कि आपको 50,000 की गाड़ी दिखाऊंगा। ओके, ये देखो वो इस टीम है, सेडान वर्जन 2005 का मॉडल है। ओके, 2005 का मॉडल है ये। एंड भाजी पेट्रोल में है? ये पेट्रोल में है, ये सिर्फ 60,000 किलोमीटर चली है, आप देख रहे हो आर्मी का स्टिकर भी लगा हुआ है, आर्मी की गाड़ी है ये। ओके, हमने बहुत संभाल संभाल के मेंटेन करके रखी है, इसका बजट कम है, जिसने गाड़ी सीखनी है, चलानी है, ठोकनी है, उगनी है, तो उसके लिए बेस्ट काम है। कईयों को माल लोडिंग के लिए चाहिए होती है, भैया सस्ती गाड़ी दे दो, किसी को कहता है भैया गाड़ी का हाथ साफ करना है, इसमें पावर स्टेरिंग भी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको चलाने में, और आप बेचना चाहोगे तो फिर इतने की बिक जाएगी दोबारा, 30-35 हज़ार रुपये की ये कट जाएगी अगर इसका टाइम खत्म हो जाएगा तो। ओके, ओनली 50,000 की कॉस्टिंग है इसकी। ओके, तो गाइस हम आपको जो नेक्स्ट कार दिखा रही है मारुति सुजुकी वैगनर। एंड पाजी कुछ बताइए इसके बारे में। ये वैगनर 2012 का मॉडल है, LX है, 2 पावर विंडो आती हैं इसमें। ओके, सिर्फ एंड पेट्रोल में आती है, ये पेट्रोल वर्जन है और सिर्फ 32,000 किलोमीटर चली हुई है जेन्युइन कंपनी रिकॉर्ड के साथ। ओके, एंड पाजी मॉडल कौन सा बताया? 12 का मॉडल, LX। ओके, इसमें आफ्टर मार्केट स्टीरियो लगा हुआ है, आप देख सकते हो केनवुड का, केनवुड का। एंड ये आपको मैनुअल में मिलेगा? मैनुअल मिलेगा। एंड ट्रांसमिशन भी मैनुअल? मैनुअल मिलेगा। एंड भाजी जो इसमें पावर विंडो है इसमें आगे मिलेंगे? आगे मिलेंगे, दो पावर विंडो आगे मिलेंगे। एंड भाजी ये जो बाहर ग्राफिक्स आप देख रहे हैं हाँ। ये मतलब करवा रखे? ये करवा रखे हैं, मारुति से इंस्टॉल्ड होते हैं। ओके हाँ। एंड भाजी अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें जाए तो कॉस्टिंग क्या होगी इसकी? इसके 2,40,000 रुपये मांग रहे हैं, 32,000 चली गाड़ी कहाँ ही मिलती है मार्केट में, और वो भी जेन्युइन कंपनी रिकॉर्ड के साथ, नॉन एक्सीडेंटल, सारी बॉडी जेन्युइन पेंट की है, चारों टायर ब्रांड न्यू है, अराउंड 100 किलोमीटर्स नहीं चले होंगे। ओके, अब इसमें जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं कंपनी से इंस्टॉल्ड है।